व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैबल टैरेट्स। किसी ने मुझसे पूछा हुआ है पंजाब स्टेट के बारे में कि कोरोना का इन्फेक्शन वहाँ की मई का, अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो उन्होंने पूछा हुआ है पंजाब के बारे में। तो मैं पंजाब का यहाँ पे देखना चाहूँगी, कोरोना का इन्फेक्शन किस तरीके से वहाँ पे फैल सकता है, अगर ज़्यादा फैलेगा तो उस पर क्या प्रिकॉशन लेना है, मैसेज क्या है, और अगर कम है तो कैसे उस चीज़ को मेंटेन रखा जाए कि वो कम ही रहे और ज़्यादा ना फैले। तो मैं ये देखना चाहूँगी अपने कार्ड्स के थ्रू कि मई के महीने में पंजाब स्टेट का वहाँ की जो जनता है उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या मैसेज रहेगा कोरोना इन्फेक्शन को लेकर के। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ अगर वो हेल्प कर सकते हैं, बता सकते हैं कि पंजाब स्टेट का कोरोना का इन्फेक्शन किस तरीके से फैलेगा, क्या सिचुएशन रहेगी, क्या हाल रहेगा वहाँ का कोरोना इन्फेक्शन को लेकर के मई के महीने में, जो आने वाला मई का महीना है, ताकि लोग पहले से ही सचेत हो जाएं कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। पंजाब स्टेट का कोरोना का इन्फेक्शन का क्या स्टेटस रहेगा, इस वक्त मैं अगर बात करूं पंजाब स्टेट की, तो यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड आया है वो आया है फैमिली किंगडम। दैट मीन्स कि जो कोई भी वहाँ पे पंजाब में जो फैमिलीज रह रही हैं, ये शायद ये दिखाना चाह रहे हैं कि फैमिलीज़ में बहुत इस वक्त इन्फेक्शन शायद फैला हुआ है, और जो घर के बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं, जो भी हमारे जो बड़े हैं हमसे, जो कोई भी इस वक्त समाज में जो कोई भी जितने भी फैमिलीज रह रही हैं उनको इन्फेक्शन इस वक्त फैला हुआ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ये दिखा रहा है ये कार्ड कि वहाँ की जो परिवार है, जो आम जनता है जो रह रही है वहाँ पे, उनके घरों में इस वक्त फैला हुआ है। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आयोग की तरफ से एम्परर का कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स कि वहाँ की जो गवर्नमेंट जो भी आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रही है या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, देखिए एम्परर यहाँ पे लोगों को ये कार्ड यहाँ दिखाना चाह रहा है कि ये मैसेज है कि आप इस वक्त आयोग की बात को, सरकार की बात को माने, डॉक्टर्स के अंडर में रहें, दवाइयाँ लें, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जा रहे हैं प्लीज़ उसको फॉलो करें। मास्क लगाना है, जिस किस तरीके का, किस क्वालिटी का मास्क लगाना है, घर में रह कर के क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, जो भी आपको भाप लेनी है, चाहे आप फिटकरी का पानी लीजिए, चाहे जो कुछ भी आपको सूट कर रहा हो कि आपका कफ ना बने और इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि मेन कफ है। तो इसलिए ज़रूरी है कि फैमिलीज़ में इस वक्त जो है ये फैल रहा है, वहाँ में परिवारों में फैल रहा है, यहाँ यही दिखाना चाह रहा है कि वहाँ का जो आयोग, वहाँ की जो सरकार है और जो डॉक्टर्स लगे हुए हैं, जो पुलिसमैन लगे हुए हैं, जो कोई भी सरकार है आपको फैसिलिटीज़ दे रही है कि आप अपने घर में रहिए और अपने घर से ही लेकर के अपना काम करिए, जो कोई भी इंस्ट्रक्शंस वो दे रहे हैं उसको फॉलो करिए। इस वक्त ये कार्ड ये साफ यहाँ बता रहा है कि शायद मुझे लगता है कि कई लोग क्या फॉलो नहीं कर रहे हैं क्या, क्योंकि यहाँ मैसेज अगर आया है एंजल्स की तरफ से, दैट मीन्स कि यहाँ पे कई लोग फॉलो शायद नहीं कर रहे हैं और यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि इस वक्त आप इसको फॉलो प्लीज़ करें और अपने काम से काम मतलब रखें, अपना काम इंडिविजुअली करें, अकेले ही करें, किसी के संग जो है वो मिलने जुलने ना चले जाएँ, अपने काम से काम मतलब इस वक्त रखें। घर में भी फैमिली मेम्बर्स भी अगर वो कोशिश कर सकते हैं थोड़ा सा दूरी बना के रखें, अगर इन्फेक्शन किसी को हो गया है तो प्लीज़ थोड़ा सा दूरी बना के रखें, अकेले, जैसे ये कार्ड ही बताता है अकेला चलो, दैट मीन्स कि आप इस वक्त अभी अकेले ही काम करिए मई के महीने, प्लीज़ प्रिकॉशन लीजिए, ये ज़रूरी है। और ये कार्ड यहाँ ये बताता है कि जो भी इश्यूज़ हैं, थोड़े से इश्यूज़ होने के यहाँ पे चांसेस हैं, लेकिन वो जल्दी ही यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे मई के महीने में। जो भी इश्यूज़ इन्फेक्शन को लेके हो सकते हैं, लोग हो सकता है लोगों में कोई गलत भ्रांति या कोई कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करे, अगर करेगा ज़रूर, ये कार्ड यहाँ बता रहा है कोई ना कोई करेगा ज़रूर, तो वो फिनिश भी हो जाएगा, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। और यहाँ पे अगर नहीं हुआ ये, अगर भ्रांतियाँ जैसे होता है ना कि इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो गया, अरे कैल्पोल ले ली या कुछ ले ली, चलो ठीक हो जाएगा, नहीं, उसको भाप से सही करिए, घर में बैठ करके
उसको किसी तरीके से डॉक्टर को कंसल्ट करिए, ऑनलाइन कंसल्ट करिए डॉक्टर को, क्योंकि अगर नहीं करेंगे, अगर ये लड़ाई अगर नहीं ख़त्म हुई आपकी, तो ये डेथ की तरफ चली जाएगी, कैजुअल्टीज होने की फिर चांसेस हैं। तो इस वक्त ज़रूरी है कि यहाँ डेथ तक कार्ड आने का मतलब है कि कई लोग यहाँ पे गॉसिपिंग ना करें, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन फैलने की, डेथ का कैजुअल्टीज होने की चांसेस हैं। गॉसिपिंग मतलब कि मोहल्ले में खड़ों के जैसे बातें करने लगे, या किसी ओकेजन पे चले गए, या किसी घर मिलने चले गए, अरे आओ किटी पार्टी कर लें, या इस तरह से कर लें, कुछ नहीं होगा। प्लीज़ इसको अवॉइड करें। मई के महीने में इन्फेक्शन कहीं से भी आ सकता है, रास्ते में, क्योंकि ये एयर में भी है, क्योंकि अब आपकी सेकेंड वेव भी आ गई है, धीमे धीमे थर्ड वेव भी आ रही है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का कि कहीं से भी इन्फेक्शन आ सकता है। प्लीज़ घर में रहिए, अकेले रहिए, और डेथ को प्लीज़ अवॉइड करिए, डेथ नहीं होने दीजिए, प्लीज़ अवॉइड करिए। ये हम सभी जब करेंगे तभी होगा। और आयोग की बात, सरकार की बात, डॉक्टर की बात मानिए, इनके इंस्ट्रक्शंस मानिए, तभी आप जो हैं अपने घर में सुरक्षित रहिए, अकेले रहिए, इंडिविजुअल अलग रहिए, जहाँ कहीं भी हैं वहीं रुके रहिए, कहीं मत जाइए। देखिए इस लड़ाई को हम सबको जीतना है, और हम सबको इसके लिए ज़रूरी है कि आपस में मिलके काम करें। बहुत गॉसिपिंग मत करिएगा, आपस में बातचीत कम करिए, मिलना जुलना बिल्कुल एक साथ छोड़ दीजिए मई के महीने में। उन्हें डेथ की यहाँ पे कार्ड साफ बता रहा है कि डेथ हो सकती है कई लोगों की, तो इसीलिए बहुत इश्यूज मत करिए। किसी घर में जाकर के अगर झगड़ा हो गया है, घर में ही कुछ हो गया है, तो प्लीज़ उसको अवॉइड करिए। इस वक्त घर में शांति से रहिए, ये मान के चलिए कि इस वक्त सिचुएशन ठीक नहीं है। हम सबको इस लड़ाई को जीतना है, मिलके काम करेंगे तभी जीत पाएंगे। तो पंजाब स्टेट के लिए किसी ने मुझसे पूछा हुआ था, पंजाब की सिचुएशन इस तरह की यहाँ दिखा रहा है कि इंस्ट्रक्शंस शायद लोग नहीं मान रहे हैं, उसको मानिए, मानेंगे तभी आप उसको जीत पाएंगे। आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर फॉर पंजाब, कि लोग जो हैं वो अपने परिवार को लेकर के इस वक्त इन्फेक्शन फैला रहे हैं या फैल सकता है यहाँ पे। तो प्लीज़ जो परिवार में लोग रह रहे हैं वो सरकार की बात को ज़रूर माने, अकेले रहें, और कोई इशू हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो फिनिश हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो तो फिनिश हो जाएगा। लेकिन अगर फिनिश नहीं हुआ तो डेथ के कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं। गॉसिपिंग का कार्ड आया हुआ, दैट मीन्स गॉसिपिंग कहीं इधर उधर मिलने जुलने या इस तरह से, प्लीज़ मत जाइए इस वक्त, क्योंकि डेथ का यहाँ पे कार्ड आने का मतलब ही यही है कि लोगों की यहाँ पे मौत हो सकती है। अगर इस वीडियो को आप शेयर करते हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत मुझे भी खुशी मिलेगी कि किसी तरीके से ये चीज़ रुकी, तो एटलीस्ट कि क्योंकि ये हम सबके भलाई के लिए ही है। तो गॉसिपिंग प्लीज़ ना करें, मिले जुले बिल्कुल नहीं। आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।